everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see who is your next boyfriend or girlfriend. So थोड़ा से आपके personal messages भी देखेंगे बाद में, last में, और इस इंसान के initials भी देखेंगे guys. Okay, so these are the three piles. You can select any one of them, whichever you like. First one is this lover, second one is this pink crystal, last but not the least this nest. Okay, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप मेडिटेट करके सिलेक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी ये लवर्स को चूज़ किया था, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लव करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लोज रखेंगे अपने हार्ट के, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे. जो मुझे नज़र आ रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी होंगे, ये इंसान बहुत लविंग और केयरिंग होंगे. दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. तो आपके कार्ड्स के साथ चलते हैं. तो आपका पहला कार्ड है पार्टनरशिप इन रिवर्स. अब पार्टनरशिप इन रिवर्स हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में बहुत लॉसेस फेस किए हों अपनी ज़िंदगी में, किसी के साथ पार्टनरशिप किया हो, एक लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, एक जॉब हो सकता है जहाँ पे इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है. बहुत ही ज़्यादा दुखी है ये मॉनेटरी वाइज, या यू नो इमोशनली वाइज ये बंदा बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है. जो भी है, ये वो प्यार उस रिलेशनशिप में नहीं मिला, पास्ट रिलेशनशिप में, दैट इज़ पॉसिबल. या कुछ लोगों के लिए आपके एक्स रिलेशनशिप हो सकते हैं जो वापस आ रहे हैं. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनका सनसाइन हो सकता है, आपका हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को सेलेक्ट किया हो. इनको लगा था कि वो उनका सोलमेट है, बट ये उनका सोलमेट नहीं है, एक्चुअली आप ही इनके सोलमेट हो. ओके, एनी विच वेज, इस इंसान को उस पास्ट का बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, या फिर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा दुख है कि ये रिलेशनशिप चला नहीं. इन्होंने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस किया है अपने पास्ट में, अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं इस इंसान ने. वर्ल्ड के साथ इस इंसान बहुत ही ज़्यादा समझदार है. इन्होंने अपना कम्प्लीशन किया है उन लोगों के साथ जिन्होंने इनको अकेला करने की कोशिश करी है. इन्होंने अपने आप अपने खुद का नया वर्ल्ड बनाया है, नई तरीके से क्रिएट किया है अपना सब कुछ, अपना अबंडेंस एंड अपना लाइफ. यू नो 10-10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 10-01 आपके मोबाइल पे दिखता होगा, बिकॉज इस इंसान का कम्प्लीशन होने वाला है, हो रहा है. अगर आप इसको ऑलरेडी जानते हो, अगर नहीं जानते हो, तो इसका कम्प्लीशन ऑलमोस्ट हो चुका होगा या कम्प्लीशन की कगार पर होगा. दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज. इसका एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल आपके साथ शुरू होने वाला है. दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये इंसान का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग चीज़ें बोलती हैं, इन द सेंस कि इसके अंदर इतना आंसू है, रोना है, धोखा है, कि ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकता है, परेशान हो सकता है थोड़ा सा पास्ट को लेके, क्योंकि इस जो बेड से है वो टाइड है ये इंसान. ठीक है, तो इसको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान वो पास्ट बैगेज उसको हटा नहीं पाया है अभी तक. इसकी विक्टिम मेंटालिटी, अपने आप को विक्टिमाइज करता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं इनको ये चुनना नहीं चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं किया होता तो वैसा नहीं होता, समथिंग लाइक दैट. वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ठीक है गाइस, तो आपको उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है. या फिर इसके पास्ट बैगेजेस, अगर आप इसको ऑलरेडी जानते हो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई भी हो सकता है, तो इसको उस विक्टिम मेंटालिटी से, पुरानी बातों से निकलना पड़ेगा, उस ग्रीफ से निकलना पड़ेगा, उस दुखों से निकलना पड़ेगा जो मुझे नज़र आ रहा है. या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो किसी पास्ट रिलेशनशिप में. एनी विच वेज, ये इंसान इस मून फेस में आने वाले हैं, फुल मून पे ये इंसान आपसे मिल सकते हैं. आने वाले फुल मून में आप चेक कर सकते हो कब है नेक्स्ट फुल मून गूगल से. जो मुझे नज़र आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे गाइस. मून ये जताता है कि यू नो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे लोग जलेंगे, बहुत सारे लोग बैक बाइटिंग कर सकते हैं आपके बारे में, उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं कि भाई ये लड़का ठीक नहीं है, इसके साथ मत रहो. बट आपको ऐसा नहीं सोचना है. इंसान काफ़ी इंट्यूटिव है, बट इनके पास्ट की वजह से इनका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो चुका है चीज़ें. इनको ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप में. इस इंसान अपने सोल लेसन को सीख लेंगे. आप देख लीजिए, सोल लेसन का कार्ड है. ये इंसान आपके साथ जैसे ही मिलेंगे, अपना सोल लेसन इनको समझ आ जाएगा, इनको आप पे ट्रस्ट आएगा पूरा पूरा. वन इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है. इस इंसान का रूट चक्रा खुल जाएगा. इनका हार्ट पे हाथ रखा हुआ है इस लड़की ने, तो इनका हार्ट चक्रा भी आप खोलोगे. आप एक इंस्पिरेशन की तरह इनकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि आप एक इंस्पायरिंग इंसान हो सकते हो, यूट्यूबियन हो सकते हो, इंस्टाग्राम में कुछ करते हो, किसी भी
सोशल मीडिया साइट्स पे आप कुछ करते होंगे, दैट्स पॉसिबल, तभी यहाँ पे ये कार्ड आया है कि आप पे पूरा पूरा ट्रस्ट करेंगे, जो पास्ट में इनको वो ट्रस्ट नहीं मिला। मजिशियन, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, ये हो सकते हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं इस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर ये आपका पास्ट रिलेशनशिप है तो भी आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगर अगर एक ऑल टुगेदर एक न्यू बंदा चाहते हो तो इस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके बैगेजेस को हटाने में आप इसकी बहुत मदद कर सकते हो। इसने अपने लेसन सीख लिए होंगे, ओके, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आपका नया बॉयफ्रेंड होगा वो मैनिफेस्टेशन में माहिर भी हो सकता है, इसने अपने लेसन सीखे हों अपनी ज़िंदगी के और ये आगे बढ़ रहा हो आपकी तरफ आने के लिए। डिवाइन फॉर लाइट, इसको डिवाइन ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया हुआ है। इसका रंग थोड़ा सा ढला हुआ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आपके साथ। 11-11 जो भी है आपका बॉयफ्रेंड, बहुत ही ब्यूटीफुल नशीली आंखें हो सकती है, इसके होंठ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, नोज़ बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ज़िंदगी में आपके लाइट ले आएगा। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिला, तो ये इंसान आपको एक खुशियाँ दे सकता है, एक डिवाइन लाइट की तरफ आपको ले जा सकता है, या आप इसको ले जा सकते हो, समथिंग लाइक दैट, जो मुझे यहाँ पे पूरा पूरा नज़र आ रहा है। सी हॉर्स है यहाँ पे, तो सी हॉर्स आपका एनिमल टोटम हो सकता है, वो आप चेक कर सकते हो उसका क्या मीनिंग है। जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे, ये उस रिलेशनशिप से निकल चुके होंगे। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक मिस्ट्रेस के साथ डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ जो ओशन होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है, वो शी इज़ लाइक अ मिस्ट्रेस। हो सकता है इनको किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, या वो कि कोई लड़का हो जो इनकी वाइफ के साथ, इनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है जिन्होंने इनका पास्ट ख़राब किया हो, कोई मिस्ट्रेस है यहाँ पे। ओके, तो उस वहाँ से निकल चुके होंगे, ये आपकी तरफ आएंगे तो काफ़ी लो एनर्जी होगी, बट जैसे ही आपसे मिलेंगे वो अपनी डिवाइन लाइट की तरफ आ जाएंगे और आपके साथ एक नया स्टार्ट होगा इनका, क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड ही बर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान बहुत कम बोलते होंगे, पास्ट में परेशान रहते होंगे, बट आपसे मिलने के बाद ये बर्ड की तरह उड़ने लगेंगे, फ्री हो जाएंगे, उड़ते फिरेंगे, बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको अपने दिल की सारी बातें बताएंगे, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में एक बर्ड की तरह आएंगे और पॉजिटिव साइन लेके आएंगे, फ्रीडम दिखाएंगे इस इंसान को, जॉय देंगे इनको, इनको एक होप देंगे, आप इनके एस्पिरेशंस हो सकते हो, आप इनके इंस्पिरेशन हो सकते हो, ठीक है, इनका पैशन हो सकते हो, आप इनको, आप इनके डरों से, इनके दुखों से, इनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ से निकालने में आप बहुत ज़्यादा मदद करोगे इस इंसान की। तो यही है आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड जो आने वाला है, एरीस लियो शायद इसका सनसाइन हो सकता है, बाकी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो सबसे हैवी है और फिक्स मॉडलिटी के साइंस तो है ही, जो मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या पर्सनल मैसेजेस ये देना चाहता है आपको आपकी तरफ आने से पहले। रिलैक्स इन जैकूजी, तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, ठीक है, बट इसको एक सही राइट पार्टनर अभी तक मिला ना हो, तो ये जैकूजी में आपको ले जा सकता है रिलैक्स कराने के लिए, समथिंग लाइक दैट। प्लान अ पिकनिक विथ मी, तो ये आपको पिकनिक पे ले जाएगा जब आपसे मिलेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। माई गॉड, दिस इज़ योर सोलमेट, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपका ट्विन फ्लेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर आया है, तो 11-11 10-10 नंबर, 0 आप 10-01 नंबर आपको दिखता होगा, बट ये आपका सोलमेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फ्यू पीपल। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, इस इंसान को आपके आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आप इनके दिल का ताला खोल सकते हो। इन्फैक्चुएशन, इस इंसान को पास्ट में ऐसा लगा हो कि ये इन्फैक्चुएटेड है आपसे, समथिंग लाइक दैट, या अभी प्रेजेंटली जब मिलेगा तो आपसे इन्फेक्चुरेट हो जाएगा। ड्रीमिंग, ये इंसान आपके बारे में ड्रीम्स लेता होगा, या आप इसके ड्रीम में आए होंगे, या आपके ड्रीम में आया होगा, समथिंग लाइक दैट। यू आर लाइट ऑफ माई लाइफ, आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएंगे। एंजल, आप एक एंजल हो सकते हो, एक लाइट वर्कर हो सकते हो, ब्यूटीफुल, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगे इस इंसान को, आपको ब्यूटीफुल बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ नाम, देख लेते हैं, बहुत सारे आ गए, एनी विच वे देख लेते हैं, कोई भी हो, आई इन से इनका नाम हो सकता है, यू से इनका नाम हो सकता है, एफ से इनका नाम हो सकता है, आर से हो सकता है,
एम से हो सकता है इनका नाम, एस से हो सकता है, ओ से हो सकता है, के से हो सकता है, ई से हो सकता है, जी से हो सकता है, क्यू से हो सकता है, डी से हो सकता है, आर, एम, जे, एन, एन, एस, एन, तो एन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एन से इनका नाम हो सकता है, एच एंड जी. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट सब थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सअप, एवरीथिंग इज मैंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच. लेट्स अस अप टू पाइल नंबर टू. हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर टू. जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा पिंक क्रिस्टल चूज़ किया है, सो ये इंसान मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो, आप लाइट वर्कर ये हो सकते हैं, अगर नहीं तो आप फ्यूचर में काम कर सकते हो. जो भी है, ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है. अब देख लेते हैं कि कौन है आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड. एरीज, लियो, सैज. लियो सबसे हैवी है इस रीडिंग पे राइट नाउ गाइस. ओके, आप लियो हो सकते हो, ये इंसान लियो हो सकते हैं. इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं एरीज, लियो, सैज आता होगा. फायरी एनर्जी, गुस्सा जल्दी आता होगा इस इंसान को, ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड है. समहाउ इसको ऐसा लगता होगा ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, इसने अपनी खुशियों को खोया है. सेल्फ लव करना इसको आता नहीं होगा, ये हमेशा छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो सकता है. ये अपनी खुशियाँ ढूंढने की जहाँ पे भी कोशिश करता है वहाँ पे इसको खुशियाँ नहीं मिली है. समहाउ जो लोग सेकेंड अलाइंस के लिए देख रहे हैं, यू नो, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, तो ये इंसान का ऑलरेडी एक बेटा या बेटी हो सकती है, दैट्स पॉसिबल. यहाँ पे दो बच्चे, कुछ लोगों के दो बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है. जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल ही, ये इंसान ने अपनी हैप्पीनेस कहीं खोई है, एक पास्ट रिलेशनशिप में, एक पास्ट मैरिज में, कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है. अबांडेंस खोया हो सकता है, या फिर अपने बच्चों को खोया हो सकता है, या फिर अपने पास्ट रिलेशनशिप को खोया हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल. क्योंकि सन यहाँ पे रिवर्स में आ गया है. सन एक बहुत ही हैप्पी कार्ड है, बट यहाँ पे मुझे कोई हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही इस इंसान के साथ, ठीक है. सो इनकी ज़िंदगी में कोई डिज़ास्टर आया. अब देखिएगा, इस इनका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, दैट्स पॉसिबल. ये प्लेन एक्सीडेंट हुआ होगा, कार एक्सीडेंट हुआ होगा. यहाँ पे ना बहुत बड़ा वो आ चुका है, वोल्केनो यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे यू नो सी यहाँ पे आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस से इस इंसान गुजरे होंगे. जो भी आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा दुख देखा है, डिज़ास्टर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आया है. अब वो कोई इंसान लेके आया होगा, इनका एक फेल्ड मैरिज हो सकता है, फेल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ टाइप का यहाँ पे हुआ है जो अनसेटलिंग है, जो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है. एंड इनके इन्होंने अपने ड्रीम्स को भी खोया हो सकता है. इस इंसान को बहुत सारा डर हो सकता है अपनी ज़िंदगी में, एंग्जाइटी हो सकता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा. जैसे सन यहाँ पे रिवर्स में, तो गुस्सा जल्दी आता होगा, दैट्स पॉसिबल. एंड इनको बहुत ही है ना, सोशलाइज नहीं करते होंगे ज़्यादा. इनके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान उठा है. अब वो कोई भी तूफान लाया हो सकता है जिनके साथ इन्होंने पास में डील किया, वो एक हो सकता है कि वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या हो सकता है कि वो इन्होंने अपने वाइफ को, हस्बैंड को खोया हो सकता है इनके पार्टनर इनको छोड़ के भाग गए हों किसी और के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, या हो सकता है कि इनका इनफिडेलिटी का इशू हो, इनका खुद का जो बेबी है वो इनके बेस्ट फ्रेंड का हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इस चीज़ में, क्योंकि ये जनरल रीड है, बहुत सारे लोग देखते हैं. सेवन ऑफ वांड्स के साथ एरीज, लियो, सैज यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि ये सन साइन सबसे हैवी है यहाँ पे. ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गार्डड होगा, इसने अपने गार्ड्स को अप कर रखा होगा, ये किसी को अपने अंदर आने नहीं देता होगा, ठीक है. आपसे भी मिलेगा तो आप सोचोगे कि कैसा सा है, बहुत खड़ूस सा है, कम बोलता है, गार्डड है बिल्कुल, सोच समझ आपसे बहुत सवाल करेगा. आप सोचोगे कि पता नहीं क्या है ये, इतने सवाल क्यों कर रहा है, बट उसको पास्ट में इतना बड़ा धोखा मिला है, तो वो तो आपसे सवाल करेगा ही ना डेफिनेटली, कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, फ़ोन करेगा आपसे, क्वेश्चन करेगा, आप शक करेगा कभी कभी, ऐसा हो सकता है. वो बिकॉज ऑफ उसके पास्ट की वजह से है. कुछ लोगों यहाँ पे पेरेंट्स के इश्यूज हो सकते हैं, इसने अपने मदर फादर को दोनों को खोया हो सकता है अभी रिसेंटली, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. कुछ लोगों के लिए इसके भाई बहन को खोया हो सकता है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. कुछ लोग इसके लाइफ में कुछ लॉस हुआ है अभी, बहुत बड़ा डिजास्टर आया है जो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. बट जो भी है, ये इंसान यू नो बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स को अप करके बैठा हुआ है. इसका फेल्ड मैरिज हो सकता है एक, या सिंगल पेरेंट हो सकता है ये,
दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. जो भी है, इसने अपने गार्ड्स को बहुत ज़्यादा अप कर रखा है कि कोई उसके अंदर घुस ना सके, ऐसा समथिंग है. इस बंदे की बहुत लड़ाइयाँ भी होती है लोगों से, जहाँ देखो इसकी लड़ाई हो जाती है, जिससे मिले लड़ाई, गुस्सा, नफरत, नाराज़गी, ठीक है, इसकी लड़ाइयाँ बहुत होती है. बट आप जैसे इसकी ज़िंदगी में आओगे, आपकी दोस्ती शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो. दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, क्योंकि यहाँ पे एरीज लियो साथ सबसे हैवी है. दोस्ती आपकी शुरू होगी इस इंसान के साथ, ये आप इनकी जीने की एक वजह बन जाओगे. मुझे नहीं पता कैसे गाइस, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हो सकती है, आप बहुत ही प्यारी लड़की हो सकती है, लड़के हो सकते हैं. आप इस इंसान को एक बहुत अच्छा दोस्त दे सकते हो, जो इनको इस गार्ड से, इस बुरे वक्त से निकाल सकते हो. ऐसा आपके अंदर एक क्वालिटी है. एरीज लियो साथ फिर आ गया, ये इनकी मदरली इश्यूज हो सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है. हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किसी एरीज लियो सैज के साथ डील किया हो, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा मेकअप मांगती हो इनसे, पैसा मांगती हो, कपड़े लत्ते मांगती हो, जो भी मांगती हो भैया, जो भी है, इस लेडी को कभी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. या फिर ये आपका सनसाइन हो सकता है, दस पॉसिबल. जो भी है, इनको किसी ने कुछ इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए, दस पॉसिबल, ठीक है. पैशन के लिए ये किसी और के साथ जाते हों, ये जो लड़की है जिसके साथ इन्होंने डील किया, लड़के हों, जो भी है, इनको चीटिंग तो हुआ है, बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है यहाँ पे. एनी विच वेज, जब ये आपसे पहली बार मिलेंगे तो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, जिसको अपना वैल्यू पता है, समथिंग लाइक दैट, ओके. जो फालतू लड़कों से, किसी से भी बात नहीं करती, अपने काम से मतलब रखती, दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से. 35 इसकी एज हो सकती है, जो लोग सेकेंड लाइफ देख रहे हैं, एज इसकी ज़्यादा हो सकती है. कुछ लोगों के लिए एलिवेट सपोर्ट, ये इंसान को आप पूरा पूरा सपोर्ट करोगे, वो चीज़ इसको दिखेगा, वो चीज़ इसको समझ आएगी कि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा एलिवेट किया है इनकी ज़िंदगी में, इस डिसास्टर से निकलने के लिए, ठीक है. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, तो आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा, जैसा भी है. ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स. ये बंदा पूरी तरह हील्ड नहीं होगा जब आपकी तरफ आएगा, तो पास्ट की भी कुछ बातें बोल सकता है जो आपको इरिटेट कर सकती है, बट आपको पेशेंटली उसकी बातें सुननी है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है और वहाँ से निकालना है. दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है. या फिर आपका एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, ये आपको वहाँ से निकाल सकता है ये इंसान, ठीक है. डेथ के साथ मुझे स्कॉर्पियो, उसका सनसाइन नज़र आ रहा है, हैवी स्कॉर्पियो हो सकता है. पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, वहाँ पे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो काफ़ी हैवी था. एनी विच वेज, ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आप इसको ट्रांसफॉर्म करके इस एक बैगेज वाले हिसाब किताब से निकाल सकते हो. माइलस्टोन, आप दोनों साथ में मिलकर कुछ कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट का चीज़ें कर सकते हो, किसी इवेंट्स में मिल सकते हो, शादियों में मिल सकते हो, कहीं गेम का कुछ चल रहा हो वहाँ मिल सकते हो, कहीं ट्रॉफीज़ मिल रही हो वहाँ मिल सकते हो. एनी विच वेज, ये इंसान अपना माइलस्टोन यू नो अचीव कर रहा होगा उस वक्त में, बहुत अच्छे वक्त में आप इस इंसान से मिलोगे, जब ये सारी चीज़ों से निकल चुका होगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों मिल के एक माइलस्टोन अचीव करोगे. पाइल नंबर 2, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, यहाँ पे मिरर रखा है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, और ये इंसान यू नो एक बहुत अचीवमेंट कर चुका होगा तब आप मिलोगे, या फिर आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर चुके होगे तब इस इंसान से मिलोगे. सेंसिटिविटी, क्वीन ऑफ कप्स. इस इंसान ने अपने सारे इमोशंस को हाइड किया होगा, इसने अपने इमोशंस पर काम कर लिया होगा जब आपसे मिलेगा, या आप भी इसी स्टेट पे होंगे, इमोशंस को हटा चुके होंगे आप दोनों ही, काफ़ी स्ट्रिक्ट मेंटालिटी से होंगे. वो चीज़ें आप दोनों की जब दोस्ती शुरू होगी वो ख़त्म होने लगेगी. जो भी है यहाँ पे, एक बुरे रिलेशनशिप से निकले होंगे, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के साथ एरीज लियो साज ने डील किया होगा, दैट इज़ पॉसिबल, या स्कॉर्पियो के साथ जो भी है यहाँ पे, इस रिलेशनशिप को ख़त्म हो रहा होगा, तब आपकी तरफ आएंगे और एक लविंग ऑफर देंगे, एक माइलस्टोन आप दोनों साथ में अचीव करोगे. पेंडोरास गिफ्ट, ये इंसान एक हीलर, आप एक हीलर हो सकते हो, हीलिंग के टाइम में मिल सकते हो, हीलिंग सेशन दे रहे हो, रेकी दे रहे हो, कोई रीडिंग्स दे रहे हो, तब आप मिलोगे. इसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे, इसकी आंखें बहुत नशीली होंगी, होठ और नोज सब कुछ उसका बहुत ही खूबसूरत होगा, इसका फेस बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है, एज इसकी ज़्यादा हो सकती है. जो भी है यहाँ पे, जो मुझे नज़र आ रहा है कि रीडिंग लेते टाइम, देते टाइम ऐसे आप मिल सकते हो इस इंसान के साथ. 45 कुछ लोगों के लिए इनकी एज हो सकती है, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है, सेक्सी हो सकती है. दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. ये इंसान के पास कुछ गिफ्ट्स हैं जो ये आपको सिखा सकते हैं, आप इनको सिखा सकते हो, समथिंग लाइक दैट. जो भी है, आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड काफ़ी ही खूबसूरत होगा, बहुत ही सुंदर होगा. एरीज लियो सैज
उसका जो फेस होगा बहुत सुंदर होगा, लोग उस पर बहुत अट्रैक्टिव फील करते होंगे, बट पास्ट में इसने बहुत बड़ा धोखा खाया हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका नया बॉयफ्रेंड है वो आई वॉन्ट अ लाइफ टाइम विद यू, इसको आपके साथ एक ज़िंदगी जीनी होगी, आपके साथ ये ज़िंदगी ख़त्म करनी होगी, शादी करना चाहता होगा आपसे, मैरिज करना चाहता होगा। एडोरेबल, आप इस इंसान को हमेशा एडोरेबल लगोगे, सुंदर लगोगे, बहुत खूबसूरत लगोगे। ठीक है, यू आर द वन आई ऑलवेज विश फॉर, इस इंसान की आप विश फुलफिलमेंट होंगे, आपके क्रश हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत हो सकती हैं ये लड़की, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। ठीक है, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, इस इंसान के लिए आप पूरी दुनिया बन जाओगे इनकी, आप इस इंसान को पूरा ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके निकाल सकते हो। डोंट क्रिटिसाइज मी, हो सकता है इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, आपने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया हो, वो ना करें क्योंकि इसका पास बहुत बुरा है। किस मी, ये इंसान आपको किस करेंगे। यू आर ऑल आई वॉन्ट, इस इंसान को आप ही आप चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, चलो देख लेते हैं कि इसके इश्यूज क्या हो सकते हैं। ओके, दिस इज मोर देन इनफ। एच से हो सकता है, बी ई क्यू टी जी एन हो सकता है, ओके एस हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, एफ हो सकता है, एफ बहुत बार है, टी हो सकता है, डी एक्स, कुछ लोग लिए आपके एक्स हो सकते हैं, जे एम ए पी एल आई, ये सारे इनिशियल्स से देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज मैंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, लेट्स अस अप टू पाइल नंबर थ्री। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर थ्री। जिन्होंने भी ये प्यारा सा नेस्ट चूज़ किया था, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग आप डिवोर्सीज हो सकते हो, कुछ लोग आप एक नए पार्टनर को, नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हो, तो ये इंसान आपको एक होम दे सकता है। इस इंसान के साथ आप होमली फील कर सकते हो, खुश खुश फील कर सकते हो, जो मुझे नज़र आ रहा है। आप देख लेते हैं आपके कार्ड्स के वजह से। टेन ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए बंदा मैरिड हो सकता है जब आप इस इंसान से मिले, आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, इसका कंप्लीशन चल रहा होगा किसी के साथ। 10 10 10 01 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ लोग आप यहाँ पे हो सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल, बट यहाँ पे इसका कम्प्लीशन चल रहा होगा या फिर इस शादी से ये खुश नहीं होगा। यहाँ पे कोई कंटेंटमेंट और कोई खुशियाँ इसको कभी नहीं मिली होगी, कोई प्यार नहीं मिला होगा, घर में ये छोटा हो सकता है, इसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से इसकी मदर ने पाला हो, तभी ये बहुत ज़्यादा बिगड़ेल हो सकता है, बिगड़ा हुआ हो सकता है, इसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा हो इसके घर वालों ने। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। जो भी है, इस इंसान को ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं पता होगा बिल्कुल भी, जो आप इनकी ज़िंदगी में ला सकते हो। इस टेन ऑफ कप्स में इसको हमेशा रिग्रेट फील हुआ है, इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल है, फर्स्ट टू पाइल्स देख सकते हो, वो आपके लिए रेजोनेट हो सकता है, बिल्कुल ही सिंगल हो, ये मैरिड लोगों का पाइल है। रिग्रेट, इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, हो सकता है इसने आपको हटा के किसी और से शादी कर ली, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, या फिर ये ट्विन फ्लेम या एक ऐसे कार्मिक साइकिल में आप दोनों हो सकते हो जहाँ से आप बिल्कुल ही नहीं निकल सकते, आप दोनों बिल्कुल अटैच्ड हो एक दूसरे के, 24x7, ये आपके दिमाग में, आप इसके दिमाग में हो सकते हो। इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते होंगे कुछ लोग। ठीक है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो इसका सनसाइन होगा या फिर इसके सनमून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा। इस इंसान का भी पास्ट बहुत ज़्यादा बुरा है, पाइल नंबर टू भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। जो भी है, इसको पास्ट मैरिज में बहुत बड़ा चीटिंग मिला है, क्यों, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स आ गया। उस लेडी या उस लड़के के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों से वो चिट चैटिंग करता हो, बातें करता हो, मस्ती करता हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो इनके रिलेशनशिप को ख़त्म किए हुए हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ही इनफेडिलिटी के शिकार हो, इन द सेंस कि दोनों को ही बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करने की आदत हो, लड़कियों लड़कियों से चैटिंग करने की आदत हो, जो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एक सही रास्ता। इनको इनके पेरेंट्स ने, इनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो सकती दोनों की ही, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको एक सही रास्ता दिखाने वाला कोई इंसान आज तक नहीं मिला, जो आप हो, मुझे ऐसा लग रहा है। रनर चेज रिलेशनशिप में हो सकते हो इसके साथ, क्योंकि ये भाग रहा है। इस लड़की या इस लड़के का कलर थोड़ा डार्क हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप आउट ऑफ द कंट्री रहते हो, अफ्रो अमेरिकन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वाइट हैंड्स हैं, बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये भागता रहता है।
ठीक है, ऐसा हो सकता है काफ़ी फेमस हो सोशल मीडिया, लोग इससे बात करना चाहते हैं, लोग इससे एक कनेक्शन रखना चाहते हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, बट ये दूसरों से भागता है, समथिंग लाइक दैट, ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल। सी गाइस, इफ़ यू नो दिस पर्सन, ठीक है, तो आपने इसको चेस किया होगा, इसने आपको चेस किया होगा, जो चीज़ें ठीक नहीं बैठी, ये भाग गया, आपको घोस्ट करता होगा, भाग जाता होगा, आता होगा जाता होगा, समथिंग लाइक दैट। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो सकते हो, यू कैन बी द थर्ड पार्टी और समबडी एल्स कैन बी द थर्ड पार्टी, समथिंग लाइक दैट। जो भी है, यहाँ पे रनिंग चेजिंग चल रहा है दोनों के बीच में, आप दोनों के, आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते होंगे जो आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड होने वाला है। अगर आप नहीं जानते हो तो जिस टाइम आप मिलोगे, ये इंसान मैरिड होगा, ये इंसान बहुत रिग्रेटफुल होगा, इसका कंप्लीशन होने वाला होगा, कोर्ट केस में फंसा हुआ हो सकता है उस टाइम पीरियड में, ऐसा हो सकता है। प्रपोजल इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, इसकी ऐसा होगा कि इसकी ज़िंदगी में ना, यू नो, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ को हटा रहा होगा अपनी ज़िंदगी से, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट ये आपको चुन लेगा। क्यों? क्योंकि आप इसके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आप दोनों का एटर्नल रिलेशनशिप है, ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है, कभी नहीं ख़त्म हो सकता। आप इसके नंबर डिलीट कर दोगे, वो नंबर उठ के अब दोबारा से आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप इसके मैसेजेस डिलीट कर दोगे, वो आपके आई क्लाउड में सेव होगा, वो वापस आ जाएगा, ऐसा सब चल रहा होगा, नाम नंबर सब आपको इसके दिखते होंगे, बट ये अब कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ किसी के साथ भी नहीं चाहता है, ये आपको चाहेगा, बिकॉज़ ये आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड बनने वाला है। द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इटर्नल है, बहुत ही खूबसूरत है। 27 आपकी है जिसकी हो सकती है, आप दोनों का क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लव करोगे। कैन यू सी दैट बोथ ऑफ यू आर लविंग ईच अदर लाइक एनी थिंग, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर ये इंसान चेस रनर चेज रिलेशनशिप में भाग गया है, वापस आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो खुश हो जाइए। किंग ऑफ कप्स, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो सबसे हैवी है इस रीडिंग पे भी, पाइल नंबर 1 में भी था गाइस, ठीक है। अब गाइस जो भी है, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में काफ़ी बैठेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है, हल्का फुल्का, बिकॉज जो भी पास्ट में आप दोनों के साथ हुआ है, या फिर अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो तो इसके पास्ट में जो भी हुआ है उस वजह से ये थोड़ा सा इमोशनल कम होगा, ये बंदा थोड़ा लॉजिक ज़्यादा लगाता होगा, बिजनेस मैन हो सकता है। दिस इज द चैनल मैसेज। अब नेक्स्ट आ गया है आपका सिक्स नंबर आपका लाइफ पाथ हो सकता है लविंग वूमन। अगर लड़के देख रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक लविंग लेडी आने वाली है, एक वीमेन आने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ला सकती है। एज इसकी ज़्यादा हो सकती है, रेड हेयर है यहाँ पे, तो इसको मेहंदी लगाने का शौक हो बालों पे, दस दस चैनल में, या इस लड़के के वाइट बाल हो सकते हैं हल्के फुल्के, जो भी है। ग्रीन इसका फेवरेट कलर हो सकता है, आपका हो सकता है, ग्रीनरी एरिया इसको, यू नो, ऐसे ठंडी एरिया पसंद हो सकता है, ये सब चीज़ें अच्छी लगती होंगी। तो अब जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये इंसान अब फुल्ली, यू नो, आपके होने वाले हैं, पूरी तरह एक न्यू इंसान आने वाले हैं, जो जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आपको ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अगर एक मैरिज में है तो वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, दो अगर शादी के कार्ड आ जाए, अगर दो 10 10 आ जाए, तो भैया उस मैरिज को छोड़ देगा ये और आपके साथ एक नया बिगिनिंग लेगा। ही विल नॉट स्टे विद दैट पर्सन, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो यहाँ पे। ये वहाँ पे बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वहाँ पे इसको कोई लक नहीं है, वहाँ पे सिर्फ झूठ है, धोखा है, दिखावा हो सकता है। इट्स पॉसिबल, आई डोंट चूज़ पाइल नंबर 3, अगर आपको चूज़ करना है तो आप कर सकते हो, आई चूज़ पाइल नंबर 2 अगर आपको सही लगता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैरिज एंड कर देगा आपके लिए। दैट्स पॉसिबल कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आप दोनों का ही न्यू बिगिनिंग है, बट बीच में कोई कोई आ जाता है कार्मिक, दैट्स पॉसिबल। क्यों मैंने बोला ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि आपके में नंबर 35, एज 35 में आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ होगा, जब अगर जानते हो, अगर नहीं जानते तो 35 एज में ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। आप दोनों सेम हो, सेम शक्लें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, आँखों का थोड़ा फ़र्क हो सकता है, उसकी ब्राउन, आपकी काली आँखें, आपकी भूरी, उसकी भूरी आँखें हो सकती है, सेम सेम सब कुछ सेम है, आप दोनों एक जैसे हो, कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो सब कुछ, आपका शरीर, आपका हंसी, आपके शर्माना शाई, कुछ भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, आप दोनों इंट्रोवर्ट हो सकते हो, सेम होंगे आप, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट हो सकता है, बट सब कुछ सेम होगा मोस्ट प्रॉबली, पेरेंटिंग स्टाइल सब कुछ सेम होगा। ये इंसान उनको छोड़ के आपके साथ एक नई बिगनिंग लेंगे, अगर ये कोर्ट केस के थ्रू गुजर रहे हैं तो वहाँ से छोड़ के ये इस आपके साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे, जो आपको एक खुशी दे सकता है, आपको एक हैप्पीनेस दे सकता है, जो मुझे नज़र आ रहा है। चलो अब चलते हैं आपके, बड़ी जल्दी आ गया, ब्यूटीफुल।
आपको बोलेगा ये कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, पैशनेट, या आपके साथ पैशनेट रिलेशनशिप इसका शुरू हो सकता है। ट्विन फ्लेम, क्या मैंने बोला था गाइस, दिस इज क्रेजी, गाइस दिस इज क्रेजी। पाइल नंबर 2 भी आप देख सकते हो, वो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर ही था। ट्विन फ्लेम उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है, आप दोनों फुल टू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इस यहाँ से आप निकल नहीं सकते गाइस, कोई मतलब ही नहीं बनता, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं निकल सकते। एक बार आप भाग के देखो, वापस वहीं आके खड़े हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आप एक साइकिल में हो इस इंसान के साथ। हनीमून, ये इंसान आपको हनीमून पे ले जाएगा, शादी भी कर सकता है आपसे। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की शादी नहीं होती, ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है। आई हैव डन रिसर्च ऑन दैट। इस इंसान ने पहले आपको वन नाइट स्टैंड में डाला होगा, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे इसके साथ, तो उस चीज़ को बुलाना पड़ेगा, आप दोनों को माफ़ करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये फिफ्थ स्टेज पे आपका रिलेशनशिप एक बार ख़त्म हो सकता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आई एम ऑब्सेस्ड, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके बिना नहीं रह सकता। ठीक है गाइस, दो और कार्ड, वी विल पिक इट अप, देन वी विल मैरी मी। ये इंसान आपसे शादी करेगा। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू। इस इंसान को आपके साथ एक नई ज़िंदगी चाहिए, एक फैमिली चाहिए, खुशियाँ चाहिए, जो उसको पास में नहीं मिला है। अब देख लेते हैं क्या इसके इनिशियल हो सकते हैं। दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, आई होप यू कैन सी द इनिशियल्स FKORLSLGMGG। बार बार है यहाँ पे जी है, ये बंदा मैरिड हो सकता है, इस पॉसिबल HP में काम करता हो, दैट इज़ पॉसिबल। एक्स, कुछ लोग आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है जिसको आप जानते हो। ATR, अजय नाम हो सकता है इसका। ठीक है, इस अजय नाम हो सकता है, काफ़ी सोशल मीडिया पे फेमस हो, काफ़ी लोगों को इंस्पायर करता है। ठीक है, जैसे मैंने आज इंस्पिरेशन लेके ही ये वीडियो बनाया है, वरना मैं वीडियो नहीं बना रही थी बहुत टाइम से, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे डेफिनेटली इसी वजह से, बट मैं बहुत इंस्पायर हो गया। अजय नाम हो सकता है इनका। ओके, इनके बहुत फॉलोअर्स हो सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब में। LU, ठीक है, HH, ठीक है। सो दीज आर द इनिशियल्स, आप देख लीजिए और नाम अपने आप पसंद कर लीजिए। ओके गाइस, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ ऐसा बताम सब ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सअप, एवरीथिंग इज मेंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।